हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय टुडेज वीडियो। मैं हूं सुंदरी, आपकी वर्चुअल ब्यूटी गाइड। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, एंड ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना। सो आज की प्लीज वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर एसेंशियल प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट शेयर करूंगी जो कि विंटर में आप लोग जरूर ट्राई करना, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं, आपकी ब्यूटी को जरूर एनहांस करेंगे ये विंटर सीजन में। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको भी दिखाऊंगी ये सब 1000 की रेंज में, 1000 से बस 100 या 50 रुपीज ही ऊपर हैं, एंड सारे ही प्रोडक्ट्स आपके विंटर में यूज आने वाले हैं। सो एज वी नो विंटर सीजन बेस्ट सीजन होता है हमारी ब्यूटी प्लस हमारी हेल्थ को एनहांस करने में। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं विंटर सीजन बहुत ही ड्राइनेस लाता है हमारी स्किन प्लस हमारे लिप्स पे। सो ऐसे में हमारे लिप्स को बहुत ही अच्छा एक लिप बाम चाहिए। सो पहला प्रोडक्ट यहाँ पे है मेरे पास एक लिप बाम, दिस वन इज लैक्मे लिप लव लिप केयर लिप बाम। बहुत ही प्रिटी शेड है, मैंने एप्रिकॉट लिया है सॉरी, यूजुअली मैं स्ट्रॉबेरी या चेरी यूज करती हूँ। एंड ये ही शेड मैंने अभी अप्लाई करा हुआ है। मेरे लिप्स बहुत ही ज्यादा चैपी प्लस ड्राई हो जाते हैं विंटर सीजन में, एंड मैंने ये 1 वीक ही अभी यूज करा है, एंड मेरे लिप्स बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड मॉइस्ट रहते हैं। हम तो मुझे विंटर सीजन में एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि जो मेरे पिंपल मार्क्स होते हैं वो बहुत धीरे धीरे जाते हैं। सो ऐसे में मैं सोचती थी कि काश मेरी स्किन कुछ ऐसा मैं ट्राई करूं ताकि ये डेली धीरे धीरे निकल के एक टाइम पे खत्म ही हो जाए। तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ एक अच्छा सा फेस मास्क, दिस इज हिमालया केसर फेस मास्क। एंड ये मैं अभी ट्राई करना स्टार्ट नहीं किया इस फेस मास्क को, इसको मैं 3 या 4 साल से यूज कर रही हूँ गाइस, एंड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मैं आपको जरूर कहूंगी ये तो मस्ट ट्राई है। मैं एक नहीं 2 बॉटल्स इकट्ठे मंगाती हूँ ताकि मैं इसका कभी स्टॉक आउट ना होने दूँ अपने पास, एंड डेली अप्लाई करती हूँ। ये बहुत थिक होता है तो इसको लेमन स्क्वीज कर देती हूँ मैं, एंड उसमें मिक्स करके इसको अप्लाई करती हूँ। बहुत ही बेस्ट है, विंटर्स में जरूर ट्राई करना, स्किन क्लियर तो होगी साथ साथ ग्लोइंग भी होगी। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है बॉडी में, सो उसके लिए मैंने मंगवाया है एक लोशन, दिस इज लैक्मे पीच मिल्क। बहुत ही फेवरेट है मेरा, मैं बहुत टाइम से इसको भी इस्तेमाल कर रही हूँ, बस इन्होंने थोड़ा यार क्वालिटी में चेंज कर दिया। पहले की क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया थी, वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में था, अब ये थोड़ा ऑयली बेस में है इसका, बट अभी भी बेकार इतना नहीं करा पहले का, तो मैं जरूर मिस करती हूँ। बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, एंड चिपचिपा नहीं करता सबसे पहली बात आपकी स्किन को। मैंने बहुत लोशंस ट्राई करे हैं, बहुत ज्यादा फेस क्रीम ट्राई करी हैं, चिपचिपा नहीं करता आपकी स्किन को, 2 मिनट लगाया सूख गया एकदम, एंड बहुत ही अच्छी स्किन कर देता है आपकी। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो आपकी बॉडी से रिलेटेड है, एंड कुछ लोगों को ये प्रोडक्ट ज्यादा एसेंशियल नहीं लगेगा विंटर्स के लिए, दिस इज बैकस्ट्रिप। सो मुझे ऐसा लगता है कि यार समर्स हो या विंटर्स हो, हमें अपनी वैक्सिंग जरूर करनी चाहिए, मतलब हेयर्स को रिमूव जरूर करना चाहिए, एंड विंटर्स में तो वैक्सिंग होती भी बहुत अच्छी है क्योंकि पसीना नहीं आता बिल्कुल भी। सो मैंने ये मंगवाई है, एंड इसको मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। वैसे मैं नॉर्मली पार्लर से या घर पे ही वैक्स लेके करती थी, सो ये बहुत ही अच्छी है, एंड मैंने इसी से कल अपने अपर लिप्स करे हैं, एंड एक ही पट्टी में बहुत ही अच्छे हुए हैं, बस मैंने इसको कट कर लिया था, ये मैंने कट कर रखी है, वैसे पूरी स्ट्रिप ये है। सो इसे जरूर ट्राई करना यार, एंड अंडर आर्म्स के लिए, बिकनी लाइन के लिए पूरी डायरेक्शन दे रखी है, आप इसे जरूर ट्राई करना। मैंने किया है, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे हैं। इसका प्राइस है 100 रुपीज फॉर 8 स्ट्रिप्स, 20 स्ट्रिप्स लेंगे तो ज्यादा सस्ता पड़ेगा। सो गाइस, जो नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट्स हैं वो हैं आपके हेयर्स के लिए। विंटर सीजन में हेयर केयर नहीं करा तो क्या किया। सो मेरा पहला प्रोडक्ट है यहाँ पे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपकी स्किन हेयर और नेल्स के लिए। यस गाइस, नेल्स के लिए भी आप डेली नेल्स पे अप्लाई करोगे तो आपके नेल्स भी बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, एंड 6 मंथ कंटिन्यूअस कैस्टर ऑयल को अपने हेयर पे लगाएंगे, मसाज मतलब वीक में एक बार ही करेंगे, तो डेफिनेटली आपके छोटे छोटे बेबी हेयर जरूर आएंगे जैसे कि मेरे आ रहे हैं, एंड मैं इसके रिजल्ट से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे को हेयरफॉल कुछ ज्यादा ही रहता है।
एंड जो नेक्स्ट चीज है मेरे पास है वो विटामिन ई कैप्सूल्स हैं। इनके बारे में तो भैया मैंने बहुत सुना है, आप अपने पैरों पे अप्लाई करो, अपने नेल्स पे अप्लाई करो, पिंपल मार्क्स पे अप्लाई करो, हर चीज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं। पहले थोड़े सस्ते आते थे, अब जब से फेमस हुए तब से महंगे हो गए। ये दो प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हैं हेयर के लिए। इन दोनों को मैं मिक्स करके एक मैजिकल हेयर ऑयल बनाती हूँ, जिसका वीडियो मैंने शेयर करा हुआ है, लिंक आपको आई बटन पे दिख जाएगा, जरूर मेरी वाली वीडियो भी देखना। सो गाइज, आपको मेरा ये छोटू सा मिनी हॉल कैसा लगा? इन सबके लिंक मैं कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूं। वैसे मैंने ये सारा सामान मंगाया है अमेजोन पे एंड मुझे ये 1000 रुपीज से कम का ही पड़ा है। एग्जैक्ट प्राइस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लेना। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में।